नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। वीरेंद्र कुमार, आज हम भगवान लक्ष्मी नारायण के दरबार में हाजिर है, जो महेश्वरी सोनो प्रखंड में है। लगभग 400 सालों से इस मंदिर में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिस प्रकार लोग बता पा रहे हैं कि यहाँ मंदिर सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर है। आज लगभग 1 लाख के आसपास श्रद्धालु भगवान का दीदार करेंगे, दर्शन करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी सुमित सिंह ने भी आकर यहाँ मत्था टेका। साथ ही साथ चकाई विधानसभा की पूर्व विधायिका सावित्री देवी भी यहाँ आकर अपने आप को धन्य मान रही है। साथ ही साथ चंदन फाउंडेशन के चंदन सिंह भी यहाँ आए और कई VIP यहाँ आते। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और सबसे बड़ी बात जानते दर्शकों, क्या यहाँ यहाँ फल कम चढ़ते हैं या लगभग मिष्ठान पकवान यहाँ भगवान के भोग में भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। हम अपने सहयोगी संजय शर्मा को कहेंगे कि थोड़ा सा एक नज़ारा आप लोगों को दिखाएं। और सुरक्षा का भी व्यापक इंतजाम यहाँ किया गया है। SDPO राजेश कुमार झाझा यहाँ सुरक्षा बल के लिए तमाम लोग यहाँ, देखो सारे लोग यहाँ कतारबद्ध हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसा कहा था, ये मिष्ठान भोजन है, कहीं ना कहीं इसी का एक तरह से प्रसाद लगाया जाता है। क्या कहता है इस प्रसाद को? एक लोग ही यहाँ फल फूल चढ़ाते हैं। यहाँ भी देखिए, एक तरह से ये और व्यंजन बना हुआ अलग से लगता है, गुड़ का। क्या है ये? गुड़ का बना हुआ है, दोजोरी है। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण बाबा के चढ़ाते हैं। हर एक साल आते हैं, अब टाइम से कहीं रहते हैं, दिल्ली से आए। देखिए, जिस प्रकार से ऐसे भी जानते हैं भारत में धार्मिक बहुत सारी मान्यता, लगभग 3-4 तरीके से यहाँ लोग भीड़ में लाइन में कतारबद्ध होकर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर पा रहे हैं। संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, महेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण से जरूर देखे। हमारे साथ बिहार सरकार के युवा स्मार्ट मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुमित, जिस तरह से लगातार आप यहाँ आते हैं सर, क्या मान्यता है सर इसकी? देखिए, यहाँ की जो पूजा है, ये जो यहाँ की महिमा परम्पार है, और ये सिर्फ इस गांव के नहीं, पूरे इलाके के जो चरका पत्थर महेश्वरी या पूरा कह सकते हैं सोनो प्रखंड, पहले तक तो ये मान्यता यहीं तक सीमित रहती थी, ये कई वर्षों पूर्व तक। लेकिन अब जो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं पिछले 25-30 सालों से, इसकी महिमा ऐसी है कि झारखंड से भी लोग, बंगाल से लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। और यहाँ की महिमा इतनी अपरंपार है, एक बार यहाँ से जिनको आशीर्वाद मिल जाए वो कहीं भी पहुंच सकता है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ। तो सर, जिस प्रकार एक बार ये कहा जाता है कि किसी घर में चूल्हा नहीं जलता है आज के दिन, ये यहाँ की परंपरा है, उसके बारे में विशेष मुखिया जी बताएंगे। उस पर इनके पिताजी ने एक पुस्तक भी लिखा है, उसका विमोचन हमारे पिताजी ने किया था, जो अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, हम लोगों के अभिभावक। उसके विशेष यहाँ के पूर्व मुखिया हैं अजय बाबू, ये बताएंगे पूरा ये प्रकार। इस तरह सर, हमेशा देखो, आपको याद होगा पिछले साल में मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और आप यहाँ खींचे चले आते हैं सर, क्या कारण? जब तक सांस है तब तक तो हम लोग यहाँ आएंगे, और जब तक हम लोग कर सकेंगे तब तक हम लोग इनकी, मतलब जब तक हमसे सेवा हो सकेगी, इनकी पूजा करते रहे। क्या सोचा है राज्य के लिए, क्या आपने प्रार्थना की भगवान लक्ष्मी? बाबा लक्ष्मी नारायण, आज तो गुरु पूर्णिमा है और आज के विशेष दिन पे लोग कहीं विष्णु भगवान की पूजा होती है, तो उस हिसाब से मतलब जब विष्णु की कृपा सब पे हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि पूरा राज हम लोग आगे बढ़ जाएगा। ये सिंह मिला फ्रीडम फाइटर का, ये कौन कौन है? ये ससुर थे। सरकार से भी कोई सुविधा मिली आपको? कुछ नहीं मिली, कुछ नहीं। अच्छा, ये मंदिर में उसकी खासियत क्या है, क्या कुछ मिलता है यहाँ मंदिर में? भगवान क्या देते हैं अगर हम पूजा करेंगे? ये सब देते हैं। कितने साल हो गए? कोई पूछे कितना साल से? 400 साल से हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है। श्रद्धालु होते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मैडम कितने सालों से यहाँ पूजा हो रही है? आप लोग तो अभी युवती है, अभी बिल्कुल लगता है कि यहाँ सब सारी शक्तियाँ सब कुछ यहाँ मिलता है। आपका मायके या ससुराल है? यहाँ मायके में पूजा मनाने आई है। क्या मान्यता है इसकी? सब कुछ मिलता है। बाबा कृपा से सब कुछ, सबको मनोकामना पूर्ण होती है। सब मनोकामना पूर्ण जी, हर साल हम लोग आते हैं कार्तिक पूर्णिमा में। बहुत महिमा है, मानता है सब। क्या कुछ हो रहा है? पूरी भीड़ बहुत ही सिस्टम के साथ, क्या बोलेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम जगत मोहन पांडे है, मैं शिव मंदिर का पुजारी हूँ। और जहाँ तक भीड़ की बात है, ये भीड़ नहीं, ये आस्था की भीड़ है।
भगवान लक्ष्मी नारायण के प्रति हमारे क्षेत्र के लोगों की, क्षेत्र ही नहीं अभी तो दूसरे राज्यों से भी आते हैं लोग, और इनके प्रति इतनी श्रद्धा। और जहाँ तक अभी आपने हमारे मुखिया जी से पूछा कि यहाँ क्या प्राप्ति होती है, यहाँ फिर 10 बजे रात्रि के बाद औरतों की भीड़ होती है जिन्हें संतान नहीं होती है, वो लोग यहाँ मांगते हैं और भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं, इच्छा उनकी पूरी करते हैं। और यहाँ और फिर संध्या 6 बजे से जिनकी इच्छा पूरी होती है, जिन्हें संतान मिल जाती है, वो दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष उन बच्चे का यहाँ मुंडन करते हैं। और हमारे मंत्री ही ने इनके पिताजी को, इनके पिताजी ही नहीं इनके दादाजी भी यहाँ आ रहे हैं, तब से आ रहे हैं। एक बार इनके पिताजी कोई नहीं आए तो हमारे बाबूजी, इनके बड़े भाई स्वर्गीय हमारे अभय बाबू को कहा था, हम सामने थे कि क्यों नहीं आपके घर से कोई आए, आपके घर से एक साल कोई किसी भी वर्ष नहीं छूटना चाहिए, हर साल माना चाहिए। इस चीज को निभा रहे हैं आप जी, उनकी उनकी वाणी अभी भी मुझे याद है, उन्होंने बोला कि बाबा आज के बाद हम कभी नहीं छोड़ेंगे, और अनवरत उनके परिवार से आ रहे हैं, जो कि आज आपके बीच हमारे मंत्री। कितनी भीड़ होगी पंडित जी? आज लगभग प्रसाद चढ़ाने वाले 60,000 से 70,000 लोग आएंगे, और 1,00,000 की भीड़ तकरीबन आने और जाने की रेशियो बनी रहती है। क्या है नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विजय शंकर यादव जी। जी मैं पूर्व MLA प्रभु प्रसाद जाधव का मैं लड़का हूँ, और मैं पूर्व में स्वर्गीय पिताजी के साथ यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में हर एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन आया करता था, और आज माँ के माता जी के साथ आया हुआ हूँ। और पूर्व के लोग और जो पुराने लोग जो बताते हैं, जो लक्ष्मी नारायण देवता यहाँ आके अपनी मनोकामना को एकदम श्रद्धापूर्वक जो प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना पूरी होती है। ये 400 साल से लोग कह रहे हैं, हाँ 100 साल से अधिक लगभग, जो आपने बताया 400 साल, उसमें से यहाँ श्रद्धालुओं का जो देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण के प्रति आस्था है, और वो आस्था में सब लोग आके प्रणाम पाति करके अपनी मनोकामना को भगवान द्वारा पूर्ण करते हैं। क्या मान्यता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह है, डब्लू से। जी जी, जिस तरह मंत्री जी भी आकर यहाँ माथा टेक कर गए, क्या कुछ लगता है, क्या मान्यता है इसकी? यहाँ मान्यता जो भी आदमी यहाँ पूजा करने के लिए आएगा और जो मनोकामना उनको जरूर पूर्ण होगा, और जैसे कि कोई भी साल आया और अगले साल आएगा पूजा करने के लिए तो मनोकामना पूरा हुआ, तब न ज़्यादा भीड़ जुड़ रहा है। यहाँ बाबा लक्ष्मी नारायण का बहुत हम लोग कई दिन से लगे हुए हैं इनके, ताकि पूजा में कोई तरह का विघ्न न हो, और प्रशासन DM साहब, SP साहब, माननीय मंत्री सुमित कुमार सिंह भी हर साल आते हैं, उनके पूर्वज से आते हैं, और ये पूजा कहीं नहीं होता है, सिर्फ महेश्वरी में ही होता है, और यहाँ का भिन्न प्रसाद मिलता है। हम लोग जितने भी अतिथि हैं उनको हम लोग स्वागत करने के लिए पूरे गांव एकदम तत्पर में रहते हैं। इस मंदिर की मान्यता आज मैं, मेरा सौभाग्य है कि यहाँ के लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, और जहाँ तक मेरे सुनने में है कि मंदिर में जो भी सच्चे दिल से आता है, जिसकी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है, तो वही मनोकामना लेके मैं यहाँ आया हूँ कि हमारे क्षेत्र का बढ़िया विकास हो, और मेरे साथ जितने लोग हैं और समस्त क्षेत्रवासियों का बहुत भला हो और अच्छे कार्य होते रहे। सामाजिक कार्य चंदन सिंह फाउंडेशन गरीब गुरबा जो लोग जहाँ सेवाओं से जो वंचित हो जा रहे हैं, उन लोगों को चंदन सिंह फाउंडेशन ढूंढ के उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है, जहाँ तक हो रहा है वहाँ पे उनकी मदद करी जा रही है। सर यहाँ कौन सा भगवान की पूजा हो रही है? यहाँ लक्ष्मी नारायण की पूजा हो रही है, अहोरात्रि के रूप में मनाते हैं हम लोग। कितने सालों से पूजा हो रही है यहाँ? अनंत कालों से चल रही है। क्या मान्यता है इसकी? मान्यता है कि लोग इसकी तैयारी 1 महीना पूर्व से करना स्टार्ट कर देते हैं, और बिल्कुल जो है जो दही का बना हुआ प्रसाद ये चढ़ता है, जिसे कि दही का बोलते हैं, वो बढ़ाया जाता है, और पूरे महीना लोग जो है लहसुन प्याज से वर्जित होते रहते हैं। मंत्री आने का प्रयास क्या थे? आप फल कम लोग ही चढ़ा पाते हैं, मिष्ठान भोजन जिस तरह आप देख पा रहे हैं यही लोग चढ़ाते हैं, ऐसी मान्यता है यहाँ, क्या मान्यता है इसकी? तमाम लोग यहाँ कतारबद्ध है खड़े, तीन तरह से लाइने लगी हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लाखों लोग यहाँ श्रद्धालु हैं जो यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं लक्ष्मी नारायण भगवान का। क्या कुछ आप तुलसी और क्या क्या चढ़ाने जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत कुमार गब्बर सिंह हुआ। जी 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 गब्बर, क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या मान्यता है इसकी?
उनकी मान्यता बहुत दूर दूर तक फैली है, इनकी ऐसी मान्यता है, यहाँ जो भी मन्नतें लोगों के द्वारा मांगी जाती है वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। ये ललाट पे देखिए जय श्री राम लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति जीवित हो रहा है। थैंक यू भाई, प्रसाद खिलाइए। चले बाहर, चले बाहर, चले हम लोग बाहर, यहाँ मत खड़ा।